हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अल्दोना गोवा। तो आज हम जा रहे हैं हमारी छोटी सी राइड के लिए, जो कि होगी अल्दोना से लेके शोलिम तक। तो उधर से देखेंगे कि सीनरीज कैसे है, अगर बाद में टाइम मिला, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी रुके हुए हैं मापसा में मेरे लिए, तो मुझे उधर जाके वापस फिर से मापसा में आना है। और दूसरा मेरा फ्लैट का इधर आया, तो उसे बस देखने जाना है। तो अगर टाइम मिला तो शायद हम मोरजिम बीच में भी जाएंगे और वागातोर के लिए। तो अभी बाइक वाइक सब रेडी है। आज मेरी रॉयल एनफील्ड और पापा लेके गए, तो हम लोग जाएंगे अपनी इस एंड टॉप पे। तो चलिए, दोस्तों अभी मैं अब तैयार हो गया हूँ, हेलमेट मास्क वास्क सब पहन लिया है, और चलिए अभी शुरू करते हैं। आप अभी देख ही रहे हैं, ये हमारे घर की तरफ का नज़ारा है, बहुत सुंदर है। थोड़ा अंदर पड़ता है गोवा में, थोड़ा आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, लेकिन एरिया बहुत अच्छी रहती है, बहुत कूल जैसी रहती है। ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता, ज़्यादा लोग भी नहीं आते, तो बहुत अच्छा है। जाता है जो राइट से लेके डायरेक्ट शोलिम सिटी को, वो मतलब
शहर को सिर्फ स्किप करके डायरेक्टली बाहर की तरफ जाते हैं। तो हम लोग ये वही रास्ता पकड़ेंगे, छोटा है मगर बहुत बढ़िया रास्ता है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा ठंडे है, बहुत बड़े बड़े यहाँ। तो दोस्तों अभी मेरा दोस्त आ गया है, मास्क कर तो ये विनायक जो फ्लैट खरीदने वाला है आज। और हम लोग यहाँ डोमिनोज में बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, एक गड़बड़ हो गई थी आते वक्त कि मेरा जो गोप्रो था उसकी बैटरी बहुत कम बची थी, और घर पहुंचते पहुंचते बस 5 मिनट पहले गोप्रो स्विच ऑफ हो गया था मेरा। और बाद में हमने बहुत जगह भागा दौड़ी कभी करनी पड़ी, 6-7 फ्लैट्स देखे हमने और कई पसंद भी आए उसे, तो देखते अभी क्या होता है। और बाय बोलने का वक्त भी नहीं मिला था, इसलिए मैं घर आके ये वीडियो निकाला हूँ। तो अगली वीडियो तक आपको बाय।